तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो कल हम वैलिडेशन देख रहे थे। हमने रजिस्ट्रेशन पेज पढ़ा, ठीक है बेटा। तो और साथ साथ अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वैलिडेशन। तो नाम को कैसे वैलिडेट करना है, ईमेल को आज हमें चेक करना है कि वैलिडेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो ईमेल को वैलिडेशन, तो लाइक आई सेड, तो कल हमने नेम को कैसे वैलिडेट करना है, फ़ोन नंबर को कैसे वैलिडेट करना है, लेंथ जैसी चीज़ को कैसे चेक करना है, और एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर नाम खाली या कोई भी फील्ड खाली है तो कौन सी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, एम्प्टी फंक्शन। अब बच गया हमारे पास कौन सी चीज़ खाली, ईमेल फील्ड। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फिल्टर अंडरस्कोर वेयर फंक्शन। क्या हमारे पास फिल्टर अंडरस्कोर वेयर फंक्शन, और उसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ते हैं, फिल्टर अंडरस्कोर या वेयर फंक्शन जो है, इट इज़ प्री डिफाइंड इन PHP, दैट इज़ यूज्ड टू चेक अ स्पेसिफिक ईमेल, है यानी कि ईमेल को वैलिडेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़। हाँ, दूसरा तरीका है, आप अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन भी, मे बी जो मैं ईमेल की जो रेगुलर एक्सप्रेशन बना वो थोड़ा सा आपको टफ लगे, अनलेस एंड अनटिल, पहले आप फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इनको स्टडी करें, एंड फिर कोशिश करिए खुद एक ईमेल की वैलिडेशन करने की। समझ आ रही है बात। तो चलिए यहाँ से इमेजिन करते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर भी सही है और उसकी लैंग्वेज भी, तो वो किधर जाएगा, नेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा एल्स इफ, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड फिल्टर अंडरस्कोर वायर फंक्शन, यू कैन सी। अब इसके अंदर हमें क्या देनी होती है, दो चीज़ें क्या देनी होती है, दिस फंक्शन यू नो एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज द वेरिएबल या वन इज द ईमेल यू वांट टू चेक वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, लेट्स प्रोवाइड दैट ईमेल। सो हमने एक ऊपर एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने क्या स्टोर किया था, ईमेल। तो इस फील्ड को बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी, और साथ साथ अब दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है ना, इसको एक कांस्टेंट हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। तो इट्स प्री डिफाइंड, इट इज प्री डिफाइंड, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। इसका काम होता है खुद चेक करना कि जो आप ईमेल दे रहे हैं, जिस वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर रहे हैं, अगर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये खुद चेक करेगा उसमें @ है या डॉट है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसका किसका काम है, हमारे पास फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल फंक्शन का। समझ आ रही है बात। सो लेट्स प्रोवाइड इट, मैंने कॉन्स्टेंट कहा, दैट मीन्स ये हमें क्या है, पूरा कैपिटल में हमारे पास क्या है, हमारे पास फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर किसको हमें करना है, ईमेल। तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लिखेंगे नॉट आगे, क्या लिखेंगे, सो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारी जो ईमेल है उसमें अकॉर्डिंग टू फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल कॉन्स्टेंट @ नहीं है, तो हमारा कौन सा पार्ट चला जाएगा, else if वाला पार्ट, अगर है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे echo और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, please enter valid email, ठीक है बेटा। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगी। तो मैंने सिंपली क्या किया, वी यूज ए फंक्शन कॉल्ड फिल्टर अंडरस्कोर वेयर इनसाइड इट वी आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज द ईमेल एंड द सेकंड वन इज द कांस्टेंट। सो इट जॉब इज टू फिल्टर अंडरस्कोर वेयर फंक्शन का काम है। तो इसमें दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज पास किए हमने, पहले वैल्यू क्या है हमारे पास कि किसको चेक करना है, और दूसरा है एक कांस्टेंट। तो इसमें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हम पास कर सकते हैं, जैसे फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल है, इसी तरीके से नंबर्स के लिए भी अलग चीज़ होती है, बट यहाँ पे हमें कोई चीज़ खाली उनके साथ तो हमें छेड़ना नहीं है। सो वी नीड ओनली टू चेक वेदर द गिवन ईमेल इज वैलिड और नॉट, लेट्स फाइंड आउट एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ठीक है। चलिए हम अपने अपाचे सर्वर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
और माय स्केल को भी क्या करेंगे स्टार्ट। दिख रहा है चीजें सारे। और चलिए हम जाते हैं हमारे ब्राउजर में। चलिए लेट्स से लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्लैश एंड क्या है हमारे पास ब्लॉग। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट ब्लॉगी। अब हम कहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर पेज पे क्लिक करते हैं। चलिए कुछ नाम देते हैं, कुछ पासवर्ड देते हैं और कुछ नंबर्स देते हैं। ठीक है, अच्छे लेट्स फाइंड आउट। एंड चलिए एक ईमेल पास फोन नंबर देते हैं 9541284166। ABC देंगे और फाइल को यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम स्क्रीन शॉट और यहाँ पे ओपन करेंगे। एंड ये देखिए रिक्वायर्ड की वजह से ये आ गया। तो इसलिए पहले हम किस वाले भाई साहब को बंद रखेंगे, ओह सॉरी वी डोंट हैव रिक्वायर्ड ओके टाइप ईमेल रखा है। बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज टेक्स्ट। क्या यूज करूँगा मैं, क्योंकि कभी कभी हमें टेक्स्ट भी देना होता है। चलिए मैं नए से देता हूँ। And you can see we are getting a message, please enter. But ये कौन सी validation हो रही है, server side validation, समझ आ रही है बात, यही बात समझ। तो लेकिन ये किसकी वजह से हो गया हमारे पास, this happened because of which function, filter underscore where, and we used a constant filter underscore valid date underscore email. चलिए ये हो गई हमारी सारी वैलिडेशंस। अब हमें कहाँ पे, हमें फाइल को किसके अंदर स्टोर करना है, हमारी डेटाबेस के अंदर। किसके अंदर स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो चलिए अब हमारा सारा काम किसके अंदर होगा, इस एल्स के अंदर। सो गेटिंग माय पॉइंट बेटा, किसके अंदर होगी सारी चीज़ें, एल्स के। बिकॉज अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमारी सारी चीज़ें जो है वो वैलिड है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, वैलिड है। तो अब उसके बाद होगा एल्स वाला पार्ट। एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हमें करना क्या है, एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हमें कनेक्शन को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। क्या करना है, तो एल्स पहले एक काम करते हैं, हम पहले सेव करते हैं फाइल को, लेट्स कॉल इट कनेक्ट डॉट PHP। तो हम एक अलग सी फाइल बनाएंगे कनेक्शन, ताकि हमें बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, समझा रही है बात। कनेक्शन स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, यानी कि जिसमें हमने कनेक्शन को मेंशन किया होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे PHP एंड लेट्स से डॉलर कॉन इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट एंड लेट्स से लोकल होस्ट शबाश एंड दैट इज user name is root, database is not password protected, and what is the database, database को check करते हैं हमारी database का नाम क्या है, जिसमें हमारी चीज़ें क्या हो जाएगी। so I think database का नाम हमने शायद रखा था blogs, क्या रखा था बेटा, blogs। तो चले देखते हैं देखने में क्या जाता है। तो चले, सो दिस इज द डेटाबेस। इनसाइड दिस डेटाबेस वी हैव हाउ मेनी टेबल्स, 3 टेबल्स, एडमिन पोस्ट एंड यूजर्स, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में बनाया था कि कैसे हमने डेटाबेस बनानी है। ठीक है, और उसके अंदर अब कैसे टेबल बनाएंगे, और रीज़न भी हमने दिखाया था उस टाइम कि किस किस टेबल का क्या क्या काम। तो चले वापस चलते हैं यहाँ पे। तो डेटाबेस नेम है हमारे पास ब्लॉग्स, क्या है बेटा, क्लियर। और फिलहाल ये सेव करते हैं, तो ये बन गई। अब इस फाइल को यहाँ पे यूज़ करने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड इंक्लूड। कौन सी फंक्शन है हमारे पास, इंक्लूड, और फाइल का नाम क्या है, कनेक्ट डॉट
PHP, ठीक है। तो इस तरीके से जब इस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर की जो ये वाली चीज़ है, आई कैन यूज इट, आई कैन, सो गेटिंग माई पॉइंट। पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ रहे? हाँ बेटा, एक से ज़्यादा कौन वन बनाओ, एक दूसरा और एक डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पे और एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना सकते, चॉइस इज योर्स। सो गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब बाद में किस वाली कनेक्शन को आपको एक्सेस करना होगा वो कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो होगा हमारे पास, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव टू क्रिएट एस क्योरी स्ट्रिंग। क्या बनानी पड़ेगी हमें, करना क्या है, वी हैव टू इंसर्ट द डेटा, वी हैव टू इंसर्ट द डेटा इन टू द डेटा बेस एंड एज वेल एज फाइल, एज वेल एज, तो ये फाइल भी लेनी है ना हमें बेटा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, आप फाइल के जो बाकी चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, बिकॉज हमें एक फाइल को किसके अंदर स्टोर करना है, डेटा बेस के अंदर स्टोर है, अपलोड करनी है हमें फाइल फ्रॉम टेम्प्रेरी लोकेशन टू द सर्वर लोकेशन। तो हमें पता है ये जो नॉर्मल वेरिएबल होता है हमारे पास डॉलर फाइल, ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक एरे होता है, जो हमने डिटेल में देखा था जब हमने फाइल सिस्टम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कि जब हमने देखा था एक फाइल को हम कैसे अपलोड, नॉट फाइल सिस्टम, जब हमने देखा था एक फाइल को अगर हमें अपलोड करना होगा तो हाउ वी कैन अपलोड इट, हमने इस टाइम देखा था कि डॉलर फाइल जो है ये एक एरे होता है। क्या होता है हमारे पास, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कि फाइल का नाम क्या है, शबाश, टेम्प्रेरी लोकेशन क्या है फाइल की, साइज क्या है, ठीक है, एक्सटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे। तो अब वही चीज़ यहाँ पे, मैं सबसे पहले डॉलर इसमें से फाइल नेम निकालेंगे, तो वी हैव टू यूज यही डॉलर फाइल, और इसके अंदर जो एक की होती है दैट इज़ कॉल्ड नेम, दैट इज़ कॉल्ड, तो उसे ये मुझे क्या देगा, फाइल का नाम बट विथ एक्सटेंशन, बट विथ एक्सटेंशन भी होता है उसमें, समझ आ रही है बात। बट अगर आपको एक्सटेंशन को रिमूव करना है, एक स्पेसिफिक टाइप की फाइल को अपलोड करना होगा, सो यू नो मैंने आपको दिखाया था कि फाइल को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वो वाला लेक्चर देखें, उससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वो पार्ट मैं इस यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ बेटा, आप चाहिए तो आप पुराने हमारे लेक्चर जो उनमें से देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक नॉर्मल से एक फाइल को जब अपलोड किया था तो कैसे उसको वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी जगह आपको बताया गया होता है कि फाइल दो साइज की हो, 2 MB की होनी चाहिए, 1 MB की होनी चाहिए, या एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की टाइप की होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं फाइल नेम ले रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, मुझे सर्वर पे इसको अपलोड करने के लिए मुझे टेम्प्रेरी लोकेशन भी ज़रूरी चाहिए फाइल की, ताकि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये फाइल एक्चुअली कहाँ पे है। तो ये दो चीज़ें फ़िलहाल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, समझा रही है बात। इससे मैं अपनी फाइल को क्या कर सकता हूँ, अपलोड, और गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर, श्योर। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ गोइंग टू बी द थिंग, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, लेट्स कॉल इट टारगेट, क्या रखूँगा मैं इसका नाम, टारगेट मीन्स अपलोडेड पाथ, क्या बोलूँगा मैं, या चले आज इसका कुछ नया नाम रखते हैं, लेट्स कॉल इट अपलोड। उसके अंदर मुझे क्या पास करना है बेटा, सबसे पहले हम पास करेंगे, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा वहाँ पे, दैट्स कॉल्ड, और साथ साथ क्या दूंगा मैं, तो दैट मीन जो ये वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे डॉलर अपलोड पाथ, इसके अंदर मैं पूरी पाथ दे रहा हूँ, क्या, अपलोड स्लैश फाइल नेम, समझ आ रही है बात। फॉरवर्ड स्लैश क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसका मतलब जो अपलोड से, इट्स ए डायरेक्टरी एंड इनसाइड ए डायरेक्टरी ये वाली फाइल डाल, समझ आ रही है बात, तो इट्स अ वे। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी लेकिन हमने ये फोल्डर बनाया नहीं है, कौन सा फोल्डर, अपलोड्स। तो चलिए पहले हम जाते हैं हमारी सर्वर लोकेशन, यू नो हमारी सर्वर लोकेशन कौन सी है हमारे पास, ज़ैम्प सी के अंदर htdocs, और वहाँ पे हम किस फोल्डर के अंदर हैं, सो दिस इज़ द सर्वर लोकेशन, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हेयर एंड लेट्स गिव इट इज अ नेम एज अपलोड्स, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक सजेशन करता हूँ, आप हमारे पुराने लेक्चर देखिए,
उसमें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग हमारी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, अब जो मेरे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनके लिए यही सजेशन है कि वो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हमने रखे हैं वहाँ पे, उनसे वो चीज़ देखे तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, तो चले नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल यूज़ अ फंक्शन कॉल्ड इफ मू अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। कौन सी फंक्शन यूज़ करा मैं, और यहाँ पे सबसे पहले देंगे हम कौन सा वेरिएबल, इज इट अपलोडेड पाथ, नो वी हैव टू पास हियर फाइल टेम्प्रेरी लोकेशन, इसमें हमारे फाइल की टेम्प्रेरी लोकेशन होगी एंड डॉलर। अब जो ही फाइल अपलोड होगी, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योरी एग्जीक्यूट। तो आधे स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, आधे डेवलपर्स ने पहले ही क्योरी लगाई होती है और बाद में अपलोड किया, और कभी कभी क्या हो जाता है इशू कि जो फाइल है उसमें इशू होता है, वो फाइल अपलोड लेकिन वहाँ से डेटाबेस में क्या हो गया, डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल अपलोड सर्वर पे करनी है और उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, क्योरी एग्जीक्यूट कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स गिव इट नेम एज क्योरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे शबाश इंसर्ट इनटू शबाश टेबल का नाम, व्हाट इज द टेबल नेम। तो चले डेटाबेस के अंदर जाएंगे, टेबल का नाम है हमारे पास यूजर्स, टेबल का नाम है बेटा यूजर्स। तो इसमें हमारे पास यूआईडी कॉलम है, नेम है, ईमेल है, फोटो है एंड पासवर्ड, लेकिन एक कॉलम हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कौन सा वाला, फ़ोन नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक कॉलम को ऐड करता हूँ, लेट्स ऐड अ कॉलम आफ्टर ईमेल एंड लेट्स गिव इट अ नेम एज फोन। ठीक है, बट इसका डेटा टाइप जो है वो क्या रखेंगे हम, वेयर कैर साइज 12 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, तो चलिए इसका साइज जो है वो रखेंगे 12। ठीक है बेटा, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या रखा होता है, फ़ोन नंबर का डेटा टाइप क्या रखा होता है, इंटीजर, लेकिन इंटीजर का एक लिमिट वैल्यू होता है, क्या होता है, आप दे रहे हैं नंबर 9878 बलाबला 10 डिजिट्स दे रहे हैं, तो वो बड़ा वैल्यू बनता है, तो वो आप जब डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वहाँ जीरो कुछ वैल्यू चला जाएगा या अननेसेसरी कुछ वैल्यू, बिकॉज उसमें उतनी वो रेंज। तो प्रेफर हमारे पास एज अ डेवलपिंग ओपिनियन के व्यू में हम क्या करते हैं, वी यूज़ टेक्स्ट और सॉरी वी यूज़ वायर केयर, क्या यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज कितनी रखते हैं, 12। और हमें पता है हम कुछ भी देंगे ये इसको एज अ ट्रीट क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग क्या करेगा, और खाली ये एक पर्पस नहीं है बेटा, बिकॉज बहुत सारी जो जैसे कल को आपको पेमेंट गेटवे है या आपको SMS सर्विसेज रखनी है, वो आपके नंबर को एज अ ट्रीट स्ट्रिंग में लेती है, क्या लेती है बेटा, तो जो पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या हमारे पास पेमेंट गेटवे या SMS सर्विस देने वाले होते हैं या कोई और थर्ड पार्टी चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी अपने वेबसाइट के अंदर, तो मैक्सिमम ने फ़ोन नंबर बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको एज अ क्या, किस फॉर्मेट में रखा होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, समझ आ रही है बात। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर को भी किस में करता हूँ, यूज़ स्ट्रिंग में, एक तो इशू नहीं होगा, चाहे कितना भी नंबर बड़ा होगा 10 डिजिट का, कितना भी है 9999999, तो ये एक बड़ा वैल्यू हो सकता है, समझ आ रही है बात, 10 डिजिट्स 9 आना वो बहुत बड़ा होता है, सो गेटिंग माई पॉइंट, और आगे लगा दो प्लस एंड 9-1 भी तो कितना बड़ा बन सकता है। तो इस तरीके से इसलिए हम प्रेफर करते हैं इसको कौन सा डेटा टाइप रखे, एज अ वेयर केयर। अब चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, व्हाट इज द टेबल नेम, टेबल नेम इज यूजर्स एंड द कॉलम नेम, नेम पास करना है बिकॉज यूआईडी हमें पास नहीं करनी क्योंकि उसका हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, और साथ साथ उसको एज अ प्राइमरी की रखी है, क्योंकि कभी भी कोई भी यूजर अपने आप कोई आईडी, हाँ एक तरीका हो सकता है बैकएंड में प्रोग्रामर ने अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइप का एनरोलमेंट जनरेट करना है, नॉट 1, 2, 3, किसी कंपनी में कोड होता है 4 डिजिट का कोड जनरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सपोज रेसिमो, उसके बाद जैसे मुझे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी है, एनरोलमेंट रेसिमो और 4 डिजिट का कोड, अब पता है ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पहले सपोज
वन टू से, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक वे से स्टार्ट करना, तो वो यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा के वो चीज, यू कैन यूज रैंडम फंक्शन. व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज रैंडम फंक्शन विच इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स. रैंडम, यू कैन जनरेट रैंडम नंबर्स एंड यू कैन मेक इट यूनिक. एक एनरोलमेंट जनरेट करके आप उसको किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस. तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज. आपने क्या करना है, जो आईडी ऑटोमेटिकली वहाँ से 1, 2, 3 जा रही है, आपका होमवर्क है खुद एक यूनिकली 4 डिजिट का एनरोलमेंट क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए विथ कंपनी नेम रेसिमो एट द फ्रंट एंड आफ्टर. उसके बाद क्या होना चाहिए, एक कोड होना, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, कुछ ABCD होता है और आगे फिर एक नंबर होता है. वो समझ आ रही है बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. तो इस चीज़ को आपका होमवर्क अगर नहीं आया तो आई विल शो यू. मैं पहले ही बताता हूँ, इसमें एक फंक्शन होगी हमारी यूज़ PHP की, दैट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन. क्या होगी यूज, रैंडम फंक्शन. रैंडम फंक्शन हर एक लैंग्वेज का में आपको मिलेगी, पाइथन हो, आपको जावा हो, डॉट हो, या PHP हो, या कोई रिएक्ट हो. सो हर जगह आपको कौन सी फंक्शन मिलेगी, आपको रैंडम फंक्शन मिलेगी, जो किस लिए यूज़ की जाती है, इन ऑर्डर टू जनरेट रैंडम नंबर्स, या OTP जैसी कोई चीज़ होती है. ठीक है, OTP जैसी कोई चीज़ होती है, उसमें भी आप देखते हो कि आपका जो OTP होता है वो किस डिजिट का होता है, 4 डिजिट, 6, यूजुअली 4 डिजिट का होता है. क्या होता है ना, तो वो भी हमने रैंडम फंक्शन के थ्रू क्या किया होता है, जनरेट किया होता है. समझ आ रही है बात, आर यू श्योर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, अच्छे से समझ आई. तो चलिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूजर्स एंड नेक्स्ट थिंग हम ईमेल, फोन, व्हाट एल्स वी हैव, फोटो एंड वी हैव, चलिए पासवर्ड कॉलम में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा. ठीक है, तो कितनी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें, नेम जो लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, फ़ोन लिया, और अब उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़. अब सबसे पहले डॉलर, जो ऊपर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, दैट इज़ नेम, क्लियर. और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ईमेल है तो डॉलर ईमेल. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे गड़बड़ी की हो तो इसको अच्छे से देखना चाहिए, कभी कभी अननेसेसरी स्पेस भी लगी होती है तो डेटाबेस में इशू. ये क्योरी थोड़ी सी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, तो इस पर अच्छे से ख्याल रखना चाहिए. कॉलम नेम्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सही से लिख रहे हैं कॉलम नेम या, तो उन चीज़ों को अच्छे से ख्याल रखें. ईमेल और व्हाट एल्स वी हैव, फ़ोन, तो ऊपर हमने तथे डॉलर फ़ोन, एंड और एक चीज़ है हमारे पास, दैट इज पासवर्ड है हमारे पास, तो डॉलर पासवर्ड ही नाम रखा है. और द लास्ट थिंग दैट इज फोन को हमें बाद में देना था, और ठीक है बेटा, और उसके बाद है फोटो. तो फोटो में हम पास क्या करेंगे, डॉलर अपलोड पाँच होगा. समझ आ रही है बात, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देना है. चले यहाँ तक पहले आए समझ क्योरी, तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर्स, अकॉर्डिंगली कॉलम नेम्स दिए और फिर वैल्यूज. ठीक है, मन के शेम बतस नेक्स्ट स्टेप. अब इसी क्योरी को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. क्या करना है, तो वैले वेरिएबल बनाएंगे, वी हैव टू यूज़ फंक्शन MySQLi_, विच फंक्शन, ठीक. और इसमें हम पहले, और बेटर है ये जो फंक्शन हमने बनाया, जो हमने यहाँ पे कॉल किया था ना, इसको भी किसके अंदर ही कॉल करें, इफ़ के अंदर. जब फाइल अपलोड होगी उसके बाद हमें कनेक्शन की ज़रूरत, उससे पहले हमें इसकी कोई ज़रूरत. और समझ आ रही है बात, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया था वेरिएबल का नाम क्या था यहाँ पे, सो आपको पता है इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. सो वी हैव टू पास 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक पहले होता है हमारे पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट, दूसरा जो होगा हमारे पास दैट इज़ क्योरी, यानी कि जो हमें एग्जीक्यूट
अब अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट सेट आएगा, तो हम लिखेंगे इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वलेंट टू इक्वलेंट ट्रू। समझ आ रही है बात? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एको, और एको के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं ताकि एक अलर्ट आ जाए हमारे पास, और यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले कर सकें, अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर रजिस्टर्ड। वालेकुम अस्सलाम, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। और यहाँ पे होगा हमारे पास एल्स, और एल्स के अंदर हम करेंगे यहाँ पे बेटा कॉपी, एंड यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट, और लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? तो चलिए लेट्स सी इट इन एक्शन। गर्मी है तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट। अब यहाँ पे पहले किसी को क्या करते हैं, पर अगर हम अपनी डेटाबेस को चेक करेंगे, इनसाइड दिस देयर इज नथिंग स्टोर्ड। तो चलिए साजिद को स्टोर करते हैं। हाँ देखो, मैंने कहा था कि हम एनक्रिप्टेड पासवर्ड भी क्या करेंगे डेटाबेस में स्टोर कर। फिलहाल पहले देखते हैं कि डेटाबेस में पासवर्ड जा भी रहा है कि नहीं, लेकिन बाद में मैं दिखाऊंगा इसमें एनक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं। समझ आ रही बात? लेट्स से साजिद 123 पासवर्ड, फोन नंबर देते हैं, आगे 10, और ईमेल देंगे sajid@gmail.com, और यहाँ पे कोई फाइल चूज करते हैं। चलिए हम अपने मोदी साहब को ऐड करते हैं, ठीक है? और यूजर रजिस्टर्ड, एंड ये हो गया वैलिडेट के अंदर, क्या हो गया, दैट मींस कोई एरर नहीं है। और लेकिन अगर हम डेटाबेस को अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे एक यूज़र जो है वो रजिस्टर, यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली क्या मिल गई, 1 साजिद, ईमेल, फ़ोन नंबर और फोटो का पाथ और इवन पासवर्ड। समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? क्लियर कोई? और हम एक्चुअल फोल्डर के अंदर जाएंगे, सर्वर फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये वाली जो फ़ोटो है वो अपलोड हो ही हमारे पास। समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, इस तरीके से हम यूज़र्स को क्या कर सकते हैं रजिस्टर। अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो ही कोई यूज़र रजिस्टर हो जाया था तो उसको हमें रीडायरेक्ट करना था, क्या करना था, लॉगिन पेज पे, ताकि वो फिर क्या कर सके, या रजिस्टर करने के बाद उसको सीधे डैशबोर्ड में भी क्या करा सकते हैं, एंटर करा सकते हैं। तो ये चीज़ आई समझ? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। हमने आज देखा कैसे हम डेटाबेस के अंदर एक यूज़र को रजिस्टर कराते हैं, ईमेल को कैसे वैलिडेट करते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि हमारी जो चीज़ है वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर हो रही है, सर्वर लोकेशन पे। सो कोई इशू तो नहीं? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आई स्ट्रांगली रजिस्ट कि आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमें आपको उस चीज़ का क्या दे सके आंसर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।